हाय पूजा, बहुत काफ़ी दिनों के बाद मैं ब्लॉग कर रही हूँ और यहाँ टीवी ऑन करके मैं अभी कुछ मूवी देख रही हूँ। तो आज बहुत दिनों के बाद मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है क्योंकि कल है श्रेयांस का ड्रेस मी अप एक्टिविटी, तो उसे बनना है किंग फिशर, यू नो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ कार्ड वगैरह मंगवाई हूँ, मैं अभी दिखाती हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कुछ आगे की चीज़ें, और काफ़ी दिनों से मैं बहुत बीमार चल रही थी तो अभी थोड़ा ठीक हुई हूँ। तो उसकी एक्टिविटी, उसे बनना है एक्टिविटी में किंग फिशर। तो किंग फिशर का मैं अच्छा सा ड्रेस बना रही हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा, ज़रूर देखे। और ये वो अभी पढ़ता है श्रेयांस नर्सरी में, यूरोकिड में, और जिस भी बेबीज़ को हेल्प मिले इस वीडियो से, शायद कॉस्ट्यूम रेडी करने के लिए, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत काम आएगी। तो चलते हैं किंग फिशर ड्रेस रेडी करने। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें पहले की तरह। चलते हैं फिर रेडी करने, और मैं साथ साथ अपना एंटरटेनमेंट भी कर रही हूँ मूवी के साथ। 1 hour later सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है कार्ड्स, ये ब्लू कलर, लाइट पिंक, येलो। स्क्रीन में क्या हो गया, प्रिंट कर लिया मैंने। तो ब्लू कलर एंड पिंक, येलो एंड रेड, 4 कलर बनाया है। यहाँ ले लिया है सीजर, यहाँ ले लिए सारे पेंटिंग, जो भी ज़रूरत की चीज़ें पड़ेगी। फेविक्विक एंड ग्लू ले लेके आती हूँ। तो चलते हैं रेडी करने, और सारे कटिंग करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या मैंने इसका बनाया है। ठीक है, कट कर लेती हूँ पहले से। चलते हैं। मैं मूवी के साथ साथ प्रिपेयर भी कर ली हूँ, आधा कट हो गया है जो मैं बहुत अच्छे से कटिंग कर रही हूँ। और ये बहुत सारे, और यहाँ से यहाँ से इंजॉय भी कर रहा है, आप देख सकते हो। और मैं वीडियो बनाऊँ हल्ला कैसे ना हो, तो मैं यहाँ कट करती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो मैं पहले इसको पहले फिनिश कर लेती हूँ, फिर कॉल करती हूँ, बोल रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है। तो यहाँ मैंने फेदर्स कट कर लिया है, आप जैसे देख सकते हो बहुत ही प्यारा कट हुआ है। और ये बनने के बाद आई होप बहुत अच्छे लगे। और हाँ, ये पेरेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल है। आप इस तरह, मैंने एक पेपर आपको जैसे मैंने दिया था उसको फोल्ड करके बस ऐसे कट, बर्ड शेप का कट दिया है। देखो इसके फेदर लुक मैंने कट, कितनी अभी इतनी प्रिटी लग रही है। वाह, चलते हैं अब इसे रेडी करने। तो मैं यहाँ फेदर के लिए कटिंग कर लेती हूँ पहले से बहुत अच्छे से। आधी वीडियो तो मैंने शायद बताई भी नहीं है, और काफ़ी दिनों के बाद मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मतलब कट कर रही हूँ, तो ये मेरे हैंड में भी बहुत पेन हो रहा है कि तो ये ऐसे दिखेगा। अभी मैं सारी कट करती हूँ। ठीक है, इसको पहले एक शेप दे देती हूँ। बहुत सारे अभी कटिंग करने हैं, पहले सारे कटिंग जितने भी हैं पॉसिबल वो मैं इसे कर लेती हूँ कि इजी हो उसे बनाने में। और ये मैं सच बता रही हूँ, बहुत ही अपने से बच्चों को बना के आप अगर दो तो बहुत हेल्प हो जाता है, बच्चे भी कुछ सीखते हैं और हैप्पी भी होते हैं कि मम्मा ने ये बना के दिया है। अभी तो श्रेयांस बिजी है उधर, तब मैं ही इसे बना लेती हूँ। लास्ट में जरूर बताना मैंने कैसे कैसा बनाया। ओके, येलो फेदर्स पूरे कट चुके हैं, देखो ये हो गए सारे कट। और यहाँ मैंने रेड कलर ऑलरेडी कट कर चुका है, यहाँ पिंक भी ऑलरेडी कट चुका है, उसकी भी कटिंग हो चुकी है। तो चलते हैं आगे, वीडियो को बनाते हैं। ओके, A few moments later
तो यहाँ मैंने बहुत सारे कटिंग कर लिए हैं और कट करके रख दिया है। यहाँ पे 16-16 पेयर्स है और यहाँ फेदर्स अब बनाऊंगी। ये कटिंग मैंने जो आपको पहले दिखाया था, और ये मैं इस तरह मैं इसे डेकोरेट करूंगी जो लास्ट में बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा लगने वाला है। सो आई एम वेरी क्रिएटिव। तो चलते हैं इसे रेडी करते हैं और ये बिल्कुल ही किंगफिशर की तरह कलरफुल बनाते हैं, क्योंकि किंगफिशर कलरफुल एक बर्ड है, स्मॉल बर्ड है बट वो बहुत कलरफुल होती है, जिसकी नाक लंबी होती है ना। तो उसको देखते हुए मैंने सर्च किया था गूगल पे, तो मुझे कुछ कुछ आइडियाज़ मिल गई थी, तो मैंने उस आइडिया को लगा के ये मैंने बनाया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। तो चलते हैं रेडी करने। किया है जिसकी लॉन्ग इसकी चोच है किंगफिशर। आप देखोगे गूगल पर सर्च करके, इसकी चोच लंबी होती है और मैंने इस तरह रेडी किया है बहुत। और इसे रिबन से बांध दिया है, क्योंकि ये कल ड्रेस मी अप में वो रेडी इसकी मिस करे तो वो इजी से पहन सके। उस तरह मैंने जो फेदर्स भी जो रेडी किए हैं उसमें भी मैंने हैंड का भी बांधने का एक लगा दिया है, जो बहुत अच्छा से ये हो गया। इसके आईज़ मैंने बनाए हैं और इसके कलरफुल रेड एंड पिंक में बनाए हैं। आई होप शायद मेरी किंग फिशर मैच कर गई है, उतनी ही नहीं बट कलरफुल तो पूरा भर भर के मैंने बनाया है। तो यही है और अब हो गया है ये फाइनली डन। और चलते हैं श्रेयांश का अब लास्ट पिच, उसको मैंने रेडी कराया है। छोटा सा है किंगफिशर के बारे में, देखते हैं वो बताता है तो मैं उसे रिकॉर्ड करके ज़रूर अपलोड करूँगी। और उसके लिए इस वीडियो को श्रेयांश के लिए एक लाइक तो बनता है, तो इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अदर्स बच्चे को भी बहुत हेल्प मिले इस वीडियो से। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। टन टडा, तो ये हो गया है मेरा किंगफिशर रेडी। वाओ, बहुत ही आई मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है और श्रेयांश भी बहुत हैप्पी है। आप देख सकते हो फुल बर्न, और मैंने यहाँ पे पूरा रायता फैला दिया है। आप देख सकते हो ये रहा पूरा पूरा घर मेरा अब हो गया है गंदा। बॉटल गया, सॉरी। तो ये हो गया है डन। तो आप लोगों को ये बताना कितना हेल्प, बहुत लोगों को, बहुत सारे पेरेंट्स को इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। और मुझे अप्रॉक्स 2.5 आवर लगे हैं इसे बनाने में घर पे, जो इतना अच्छा बन चुका है। इसकी मास्क आप देख सकते हो कितना प्यारा बना है, और ये रहा इसका फेदर, आप देख सकते हो ये रहा पंख इसके, बहुत ही बहुत मुझे इतनी खूबसूरत लग रही है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगे। तो ज़रूर बताना कैसा लगा ये ब्लॉग किंगफिशर के साथ, और नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी ही आएगा। तो चलते हैं, बाय बाय।
Hi, small boy. Hi. My head is blue. I eat the fish. Louder. And you. Very good.